आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। दरभंगा विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 13वें प्रमंडलीय मीडिया कप के 8वें लीग मैच में वेब मीडिया एकादश की टीम ने दैनिक भास्कर एकादश की टीम को 76 रनों के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भास्कर को राया क्या कहना चाहते हैं, आप कप्तान हैं वेब मीडिया के। हमारी टीम ने आज अब तक का टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और मुझे मालूम था कि मेरी टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी, इसलिए पिछले जीत के बाद ही हमने अपने बयान में कहा था कि हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल में भी पहुंचेंगे और कप इस बार वेब मीडिया की टीम लेकर जाएगी और इसका श्रेय और पूरे टीम को जाता है। सबने अपना 100% दिया, सबने अपना योगदान किया है। और क्या, टीम क्या लग रहा है, पहले मैच में लचर प्रदर्शन के बाद आप लोग फिर से बहुत अच्छे प्रदर्शन देखिए होता है, दिन होता है, कभी कभी दिन होता है तो वो हो सकता है उस दिन था जो हमारे कुछ बैट्समैन नहीं चल पाए, पहला मैच था, लोग तैयारी में नहीं थे, लेकिन हमारी टीम अब पटरी पर आ चुकी है और अब हम लोग कोई मैच हारने वाले नहीं है और कप लेकर जाएगी वेब मीडिया की टीम। आपके बॉलर बहुत कसी हुई बल्लेबाजी बॉलिंग किए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, आज हम लोगों ने रणनीति बनाई थी कि विकेट टू विकेट बॉल करना है और अटैकिंग फील्ड करना है और उस टीम को जल्दी आउट करना है, जिसमें हम लोग सफल हुए। हायाघाट प्रखंड अंतर्गत मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में आरटीपीएस के कैंपस में जल जीवन हरियाली को लेकर सैलदेव की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक की गई, जिसमें पंचायत सेवक शिवनाथ मंडल सहित सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति रही। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले जिला कृषि अधिकारी कार्यालय का गेट जमकर किसानों ने ओलावृष्टि, बारिश से हुई गेहूं, रबी सहित अन्य फसलों की क्षति का आकलन कर मुआवजा देने की मांग पर धरना दिया। ओलावृष्टि से व्यापक पैमाने पर गेहूं के फसल को नुकसान हुआ है, जहां किसान माने सब्जी के खेती करता है, रोपा हुआ सब्जी जो है उसी में दब गया है और यहाँ जो है सरकारी जो सब्सिडी जो यंत्र पर मिलता है, जो थ्रेसर वैशाली में 1,10,000 में बिकता है वो यहाँ जो है 1,60,000 में बिकता है सब्सिडी में। तो बताइए किसान को किस आधार पर जो है सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी का जो पैसा है वो जो है यहाँ के नीचे से ऊपर तक का जो पदाधिकारी है वो तमाम लोग लूट ले रहे हैं। अगर आप मान लीजिए रोटावेटर के अगर परमिट कटाते हैं तो मिली भगत से रोटी बेटर या कुछ कर दिया जाएगा, अब जब आइएगा तो आपको परमिट नहीं मिलेगा। हायाघाट प्रखंड के ट्राइसम भवन में हायाघाट वीडियो राकेश कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली को लेकर प्रखंड के सभी कार्यपालक एवं जन प्रतिनिधियों के बीच मनाया गया हरियाली दिवस। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली को लेकर सदर प्रखंड में भी बैठक की गयी। इधर दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के मनरेगा भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी और मनरेगा पदाधिकारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि कर्मचारी सहित कई लोग मौजूद थे इस कार्यक्रम में। बिहार सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है कि 3 मार्च को प्रथम जल जीवन हरियाली दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिसमें ऊर्जा की बचत पर परिचर्चा होनी है। इसी क्रम में हम लोग इकट्ठे हुए हैं जनप्रतिनिधि लोग, हमारे वीडियो साहब की अध्यक्षता में यह होना है और सरकार का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो जल जीवन हरियाली का होना आवश्यक है, इस तहत जागरूकता फैलाने के लिए इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है। आज जो है बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग जल जीवन हरियाली से संबंधित जो कार्यक्रम है ये हर प्रखंड जिला में भी मनाया जा रहा है हर जगह। मुख्य उद्देश्य है इसमें, आज जो मुख्य एजेंडा है हम लोग का है ऊर्जा संरक्षण, है ना? और हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ऊर्जा का हम लोग बचत करें, सौर ऊर्जा या और भी जो भी ऊर्जा के अलग अलग गैर परंपरागत स्रोत हैं वो सब इस दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आज हम लोग सौर ऊर्जा के पर मेनली फोकस करके लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे और ताकि इसको हम लोग आगे इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकें कि इको फ्रेंडली भी है। हाँ, आज के कार्यक्रम में सभी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पीओ साहब हैं, ऑफिस के तमाम कर्मी हैं और मीडिया बंधु हैं।
छात्र संगठन AISF दरभंगा जिला परिषद ने कन्हैया कुमार सहित अन्य छात्र नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र, दिल्ली हिंसा के खिलाफ और बिहार के आंदोलनकारी शिक्षकों की वार्ता की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अजय भवन छात्रावास से भोगेंद्र झा चौराहे तक प्रतिवाद मार्च निकालकर किया केंद्र सरकार का पुतला दहन। हमारा यह प्रतिरोध मार्च पुतला दहन बिहार के अंदर 25 तारीख से लगातार शिक्षक जो आंदोलन रहित है, जो अपना शिक्षक का कार्य, जो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य छोड़कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यह सरकार वार्ता नहीं कर रही है, उसके खिलाफ हमारा यह पुतला दहन था। हम इस पुतला दहन से प्रतिरोध मार्च से सरकार से मांग करते हैं, तुम बार बार अपने षड्यंत्र में छात्र नेताओं को फंसाने का प्रयास बंद करो। दिल्ली के अंदर हुई है उसकी जवाबदेही गृह मंत्रालय को लेनी होगी और सभी पीड़ितों को न्याय देना होगा। हम इस पुतला दहन और इस प्रतिरोध मार्च से मांग करते हैं इस सरकार से, इस बिहार की सरकार से, कि जो हमारे शिक्षक आंदोलनरत है, वो आंदोलन कर रहे हैं विगत 25 फरवरी से, उनसे उनके मांगों पर उचित वार्ता करके उनका आंदोलन खत्म करके बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करे। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। एक बात बताइए, MLSM महाविद्यालय परिषद में छात्र संघ द्वारा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया। क्या कार्यक्रम था? ये महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह, जिनके नाम से ये कॉलेज भी है, उनके जीवनी और स्वतंत्रता सेनानी थे उस पे, और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था एकेडमिक एजुकेशनल उस पे, और इस कॉलेज का जो शुरुआत हुआ और कैसे इसका विकास हुआ, उस इन तमाम इशू से रिलेटेड एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था छात्र यूनियन के द्वारा, और उस प्रतियोगिता के आयोजन में बहुत सारे विद्यार्थी कॉलेज के भाग लिए और उनके लिए आज ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। जो बच्चे 1 to 10 हुए, 1 से 10 के बीच में आए अपने मेहनत से और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण, उनको प्राइज दिया जा रहा है और साथ साथ हम लोग कंसोलेशन प्राइज भी देते हैं। तो ये जो है, ये एक तरह से सर्टिफिकेट वितरण या प्राइज वितरण प्रोग्राम है, और इसमें हमारे खास मेहमान हमारे LL मिथिला यूनिवर्सिटी के हरदिल अजीज रजिस्ट्रार, डायनेमिक रजिस्ट्रार हमारे खास मेहमान। इससे पहले पुस्तिका का विमोचन हुआ सर, उसमें और साथ साथ हमारे यहाँ ये चौथा इशू है प्रतिबिंब, ये एक तरह से कॉलेज का दर्पण है। हमारे सारे एकेडमिक एक्टिविटीज जो होते हैं, चाहे वो रिसर्च से जुड़ा हो, चाहे वो टीचिंग से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लर्निंग से जुड़ा हुआ हो, तो हमारे सारे एक्टिविटीज को मिरर करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है प्रतिबिंब। ये पत्रिका हम हर 4 महीने को निकालते हैं, ये हमारा चौथा इशू था। अपने बारे में, मैं डॉक्टर मोहम्मद शौकत अंसारी, मैं इस कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और IQAC का कोऑर्डिनेटर, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल उसका मैं कोऑर्डिनेटर। आज दरभंगा NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में BEd के छात्रों के साथ घोर अन्याय और धोखाधड़ी के खिलाफ विश्वविद्यालय चौरंगी से पैदल मार्च करते हुए कुलपति कार्यालय के पास उग्र धरना प्रदर्शन किया गया। फरमान नोटिस जारी किया गया था, BEd के समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी व दरभंगा जिला के तमाम BEd कॉलेजों को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जिसमें उच्च न्यायालय के और राजभवन के आदेशानुसार पूर्व में जो छात्रों का शुल्क पारित किया गया था 1,15,000 रुपया, उसको निरस्त करते हुए 1,50,000 रुपया जो है सो निर्धारित किया गया, जबकि पूर्व में हम लोग लड़े थे और उस दरमियान जो है सो विश्वविद्यालय के द्वारा ही जारी किया गया नोटिस था कि सभी कॉलेज में छात्र छात्राओं से BEd का शुल्क 1,15,000 ही लिया जाए। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से और कुलपति महोदय से ये जानना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं
कि आखिर ये कैसा परिस्थिति हुआ कि पुनः आप उस विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया ही नोटिस को आप निरस्त करते हुए पूर्व को नोटिस को फिर 400 लागू करने का काम किए हैं। इससे हमारे तमाम जिला के छात्र छात्राओं को साथ जो है सो धोखाधड़ी हुआ है। छात्रों को मतलब जो है सो पैसा देने पर कॉलेज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, दबाव दिया जाता है। ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर हम कुलपति महोदय से मिलने के लिए आए हैं और एक एप्लीकेशन देने के लिए, आवेदन देने के लिए आए हैं कि हमारा जो पूर्व का नोटिस था उस आधार पे ही फिर नोटिस जारी करिए और 1,15,000 ही रुपया शुल्क जो है वो दीजिए। ट्रैक से हट गया, आपको पूरी जानकारी नहीं है जी। पूरा जानकारी ये है कि राजभवन और ये उच्च न्यायालय के द्वारा 2016 सेशन से लेकर के अब तक के तमाम छात्र को जो है सो 1,50,000 से अधिक शुल्क नहीं लागू कर सकता है, ये था, इसमें कोई शक नहीं सर। बात ये लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान के आगमन पर लोजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अभय कुमार यादव, हायाघाट के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मिंटू लाल देव ने सभी पंचायत के लोगों से किया जनसंपर्क। हम लोग लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है 6 तारीख आ रहे हैं, उनके कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं और 14 पंचायत घूमे हैं और हर एक जगह से जनता को उनके उनसे मिलकर उनकी बातों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और 6 तारीख को वहाँ पे आम जनता वहाँ पहुँचेंगे, किसान पहुँचेंगे और उसे मतलब लाभ उठाएंगे, उनकी बातों की सुन के लाभ उठाएंगे, इसको लिए प्रेरित कर रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वहाँ पे पहुँचे उनकी बातों को सुन के लाभ उठावे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभय कुमार यादव, लोजपा जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ। कहाँ घूमे? आज हम लोग मिर्जापुर पंचायत से स्टार्ट किए और सिधौली होती है, घुसरम्मा, चननपट्टी, मलिपट्टी दक्षिणी, मलिपट्टी उत्तरी, बलहा, अकराहा और हमारे हायाघाट के पूर्व प्रत्याशी माननीय आर के चौधरी जी का भी दिशा निर्देश हुआ जो आप पूरे हायाघाट चौधू पंचायत में घूमिए और हरे कार्यकर्ता को संवाद दीजिए। जो कल हरोलपट्टी में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रंजीत झा के नेतृत्व में एक सभा मीटिंग की जाएगी और उसमें हमारे दरभंगा में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी आएंगे और हम लोग उनको सुनने के लिए अपार हायाघाट से दलबल के साथ आर के चौधरी के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उनका लाभ उठाएंगे। क्या नाम हुआ? मिंटू लाल देव, लोजपा प्रखंड अति पिछड़ा हायाघाट। दिन भर की खबरों से विदा लेती हूँ, नमस्कार।